बैंगलोर गैस विस्फोट के बाद अब भगवानपुर थाना क्षेत्र के सिसौना गांव में एक ही परिवार के 6 लोग सिलेंडर फटने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को रुड़की सिविल अस्पताल भेजा गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। दरअसल यह पूरा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के सिसौना में रह रहे एक श्रमिक परिवार से जुड़ा हुआ है। आज सुबह करीब 7 बजे जब श्रमिक परिवार की गृहिणी नाश्ता बनाने जा रही थी, तभी अचानक पास रखे सिलेंडर में आग लग गई। इससे पहले परिवार के कुछ लोग समझ पाते, तब तक आग पूरी तरह से कमरे में फैल चुका था, जिसे देखकर परिवार के लोगों ने शोर मचाना शुरू किया तो आस पड़ोस के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। आसपास के लोगों ने मकान का गेट तोड़कर घर में फंसे लोगों को बाहर निकाला और पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय निवासियों ने घायलों को अस्पताल भेजा, जहां से उन्हें रुड़की सिविल अस्पताल भेजा गया है। रुड़की सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। आग में झुलसने से प्रदीप नामक व्यक्ति और उनकी पत्नी मीना एवं 4 बच्चे घायल हो गए हैं। प्रदीप नामक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के बताए जाते हैं। वहीं CEO मैंगलोर अभय प्रताप सिंह ने बताया कि गैस लीक होने के कारण ये हादसा हुआ है। जब सुबह श्रमिक परिवार कंपनी जाने के लिए सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रहा था, जैसे ही महिला ने गैस सिलेंडर में माचिस लगाई, वैसे ही गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली, जिसके कारण यह हादसा हुआ। 7 बजे की घटना है, जब हमें सूचना मिली। ये प्रदीप नाम के व्यक्ति हैं, जो कि अपने पूरे परिवार के साथ, जिसमें इनकी पत्नी और 4 बच्चे हैं, ये यहाँ रह रहे थे। किसी कारण से सुबह ये लोग, इनकी पत्नी उठी और वो नाश्ता बनाने का प्रयास कर रही थी, उसी में दूसरा सिलेंडर भी था इनके द्वारा, ये बताया जा रहा है, जिसमें रिसाव हुआ, इनको पता नहीं चला, और उसी में जो है इन्होंने माचिस की तिल्ली जलाई, अचानक ये हादसा हुआ। परिवार के सभी सदस्य इनकी पत्नी को छोड़ करके, बाकी इनके 4 बच्चे और इनके पति घायल हैं, झुलसे हुए हैं, अंदर भी सामान काफ़ी झुलसा पड़ा है, और अभी ये सभी लोग सिविल अस्पताल रुड़की में एडमिट हैं।